हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि भारत में हथियार को रखने के लिए लाइसेंस किस तरह से लिया जाता है, उससे जुड़े नियम क्या हैं, उससे जुड़े डॉक्यूमेंट किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। कुछ लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए कई तरह के हथियार रखते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए। लोगों को हथियार रखने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, पर कुछ लोग बिना लाइसेंस के ही हथियार रखने लग जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बिना लाइसेंस के हथियार रखने वाले लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। नक्सलवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अब सरकार अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाने जा रही है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके ये बताया है कि सभी हथियार यानी कि लाइसेंस धारकों के लिए एक हथियार लाइसेंस प्रणाली बनाई जाएगी, जिसके अनुसार जिसमें कि राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस बनाया जाएगा। इस प्रणाली में हथियार रखने वाले लोगों को 1 अप्रैल 2019 से एक यूनिक पहचान संख्या यानी कि UIN भी जारी कर दिया जाएगा। इस पहल के पीछे सरकार का मकसद यही है कि सरकार ये जानना चाहती है कि देश में किस किस व्यक्ति के पास किस किस तरह के हथियार हैं। राष्ट्रीय लाइसेंस डेटाबेस प्रणाली के अंतर्गत 1 अप्रैल 2019 से हर एक लाइसेंसिंग और नवीनीकरण अथॉरिटी को नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस सिस्टम में डेटा दर्ज कराना होगा, जो कि एक UIN नंबर जनरेट करेगा। जिस भी लाइसेंस धारक के पास ये यूनिक नंबर नहीं होगा, उसका लाइसेंस अवैध माना जाएगा। इस नए नियम को लागू करने के लिए सरकार ने शस्त्र अधिनियम 1959 के सेक्शन 44 में दी गई पावर का इस्तेमाल करते हुए शस्त्र अधिनियम 2016 में संशोधन किया है। अभी तक भारत में लागू 1962 का शस्त्र अधिनियम शस्त्रों को निर्माण, बिक्री और लाइसेंस से जुड़ा हुआ है, जिसको कि शस्त्र नियम 2016 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। इस बार जो लाया गया है संशोधन आर्म्स रूल 2018 कहा जाएगा। शस्त्र नियम 2016 के अनुसार किसी भी शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को या किसी राइफल क्लब या फिर संघ या फायरिंग रेंज के लिए आवेदन करने के लिए शस्त्र और गोला बारूद सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नए नियमों के मुताबिक जिसे शस्त्र चलाना आता है उसे ही लाइसेंस मिल सकता है। इसके लिए उसे पूरी परीक्षा देनी होगी। किसी भी तरह की बंदूक या शस्त्र को रखने से पहले उसे पूरी परीक्षा देनी होगी, तभी जाकर उसे उसका लाइसेंस मिलेगा। अब नए कानून के अनुसार जिन लोगों ने फॉर्म 3 के तहत कई लाइसेंस ले रखे हैं, उनको अब 1 अप्रैल 2019 से पहले फिर से एप्लीकेशन डालना होगा और अब एक लाइसेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 3 हथियार ही इशू किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें एक यूनिक नंबर भी दिया जाएगा। इससे पहले एक व्यक्ति को 3 लाइसेंस मिल सकते थे। इसके अलावा लाइसेंसधारी अब 25 कारतूस ही रख सकेंगे और 25 से ज़्यादा कारतूस खरीदने के लिए शासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार अब नियम में संशोधन होने से उन व्यक्तियों को हथियार लाइसेंस मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी जिनके पूर्वजों का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। अगर किसी लाइसेंस धारक की मृत्यु हो जाती है तो अधिकारी उसके लीगल उत्तराधिकारी के नाम पर लाइसेंस जारी कर सकेंगे। शस्त्र अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी हथियार को रखने, लाने और ले जाने के लिए एक सक्षम लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया लाइसेंस रखना जरूरी होगा। चलिए बात करते हैं कि लाइसेंस लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। लाइसेंस आवेदक के लिए आपराधिक के रिकॉर्ड के बारे में आसपास के थानों से जानकारी ली जाती है। आवेदक का कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी पुलिस और खुफिया विभाग के द्वारा कराया जाता है। आवेदक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस सर्टिफिकेट को प्राप्त करना होता है और अगर आवेदक पूरी तरह से स्वस्थ हो तब उसे लाइसेंस दिया जाता है। अगर किसी आवेदक के किसी अंग में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आवेदक को अपना आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, फिटनेस सर्टिफिकेट को आवेदन के साथ जमा कराना होता है।
उसके बाद आवेदक के फॉर्म पर लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार और एसडीएम की रिपोर्ट ली जाती है। रिलेटेड ज़िले के एसडीएम और एसपी आवेदक के पूरे कागजात होने के बाद आवेदक की फाइल को जिला अधिकारी को भेजते हैं। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जिला अधिकारी अपने विवेक के अनुसार शस्त्र लाइसेंस को जारी कर देते हैं। इस तरह से एक नया संशोधन करने के पीछे सरकार ने अवैध हथियारों के बढ़ते प्रचलन में कम करने की दिशा में एक कदम उठाया है। उम्मीद है कि सरकार के इस कदम से देश में अपराधों की संख्या में कमी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि किसी भी तरह के हथियार को रखने के लिए लाइसेंस किस तरह से दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।